हाय दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीख रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग। ऐसे तो मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं, लेकिन एक मिस्टर अमित है जो कि हमारा सब्सक्राइबर है, हमारा वीडियो यूट्यूब पे बराबर देखते हैं, उन्होंने काफी फोन करके मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए कोई वीडियो बनाऊं, और मैंने उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेशन पे वीडियो बना रहा हूं। ऐसे भी मार्च का महीना आ रहा है, सबको टेंशन है कि इनकम टैक्स कैसे भरे, तो चलिए इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस हम आपको समझाने जा रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन समझाने जा रहे हैं इनकम टैक्स की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। तो ये हमारा सीट है जो कि मैं डिजाइन किया हुआ है, जिसमें हमें स्लैब से अभी तक जो हमारा स्लैब है, हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके तरफ से जो हमें दिया गया है कि हमें इनकम टैक्स कब कब पे करना, तो एक स्लैब वाइज इनकम टैक्स है। मतलब कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप टैक्सेबल है ही नहीं। लेकिन अगर आपका अमाउंट 5 लाख से नीचे आ रहा है तो आपको 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जितनी अमाउंट होगी उसकी 10% आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख से नीचे है तो आपको 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो अमाउंट है उसकी 10% और 5 लाख से लेके 10% की जितनी इनकम है उसकी 20% आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, 10 लाख से ऊपर है, तो फिर आपकी जो इनकम है उस इनकम में 3 स्लैब होगा कि 2.5 से 5 लाख की जो है आपकी 10%, 5 लाख से 10 लाख की 20% एंड 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उनकी 30% आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, तो मैंने स्लैब बनाया, यहां पर अपने स्लैब इंसेंटिव रख दिया कि मेरा जो भी प्रॉब्लम, तो देखिए अब मैं पहले से बना रखा हूँ, एक बच्चे करा देता हूँ कि अगर मैं इनकम इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2.5 लाख है तो इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी इनकम मान लीजिए कि 3.5 लाख हो गई है तो मुझे इनकम जो है 10,000 रुपये मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये इसमें आपके जो टैक्सेबल इनकम है इसमें आप जो है डिडक्शन क्या करोगे, आप डिडक्शन कर दोगे क्या बोलते हैं आपका जो HR है, होम रेंटल है, आपका जो PF है, जो आपकी टैक्सेबल टैक्स बेनिफिट वाली जो सेविंग है जैसे कि LIC वगैरह, वो सारे यहाँ पे लेस करके आप रखेंगे कि मुझे इतना रुपया इनकम है, नेट इनकम जिसमें टैक्सेबल सारे चीजें यहाँ से हट गई है, होता है कि बहुत सारे टैक्स के बेनिफिट्स हैं वो हटा के टैक्सेबल इनकम है, तो वो तो हटा लोगे आप, मैनेज करोगे आपको तो पता ही है। लेकिन इसमें से 2.5 लाख जो एग्जेम्प्शन है हमारे वो 2.5 लाख का नहीं है, नहीं इसमें लैस नहीं है, वो तो इंक्लूड है। तो क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पे हम देंगे फॉर्मूला कि इफ अगर हमारी इनकम इज लेस देन काई नहाई 10,000 लाख 2.5 लाख है तो जो अमाउंट है दैट इज मल्टीप्लाई बाई दैट परसेंटेज, अदरवाइज हम यहां पे जीरो कर देते हैं, इक्वल टू जीरो। दूसरा स्लैब आगा कि इफ अगर इफ के साथ इसमें हमें एंड लगाना पड़ेगा, इफ एंड कि अगर ए ग्रेटर देन 2.5 लाख एंड लेस देन 10,000 लाख है तो इसमें से माइनस होगा 2.5 लाख 10,000 लाख क्योंकि 2.5 लाख तो जीरो है, 2.5 लाख का हमने माइनस किया, जो बचता है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10% से, जो भी परसेंटेज हमारा उस परसेंटेज से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर 5 लाख से ज्यादा हुआ तो ये तुमने क्या किया कि 2.5 से 5 के बीच का किया, लेकिन जो 5 से ज्यादा है सो तो देन एक और कंडीशन लगाएंगे यहां पे कि इफ का कि इफ अगर अमाउंट इज ग्रेटर देन 5 लाख काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख तो क्या आना चाहिए,
तो आना चाहिए कि इस हमारा 2.5 लाख ही है ना, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 10%, अदरवाइज 0। तो ऐसा हमने कैसा किया, क्योंकि एक मिनट माइनस हमने कहीं पर लगा दिया कुछ ना, हाँ स्टार्टिंग में नहीं, फिर माइनस क्यों आ गया, अच्छा यहाँ माइनस है, एक जीरो ज्यादा पड़ गया था, अब सही है 10,000 आया। तो ये जो कंडीशन हमारा लगा, वो कंडीशन लगा कि पहली कंडीशन में दिया कि अगर 5 लाख से कम है तो, जैसे कि 3.5 लाख है या 4 लाख है या 10 लाख है, 3.5 लाख है या 4 लाख है या समथिंग टू, माने कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, तो हमने क्या लगाया, हमने लगाया कि अगर इनकम इज ग्रेटर देन 2.5 लाख एंड लेस देन 5 लाख, तो सिंपल जो इनकम है उसमें से 2.5 लाख को हटा के उसका 10% निकाल लेना है। अगर नहीं, अगर इनकम 5 लाख से ऊपर है, इनकम 5 लाख से ऊपर है तो सिंपल सा 2.5 लाख का 9% देना है, सॉरी 2.5 लाख का जो 10% है वो 10% देना है। तो 2.5 लाख की 10% क्या होती है, आपकी 10,000 होती है, सॉरी 25,000 होती है, तो 25,000 देना है। अब यहां पे नेक्स्ट स्लाइड होगा कि इफ अगर ए, इफ यहां पे सेम एंड लगाएंगे कि एंड अगर ए ग्रेटर देन 5 लाख, गाय नाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख एंड लेस देन 10 लाख है, गाय नाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख सॉरी हाँ 1 लाख हुआ 10 लाख अब हुआ, तो हमें इसमें से 5 लाख को माइनस कर देना है, गाय नाइन सैकड़ा हजार 10,000 नहीं 10,000 लाख और लाख 5 लाख, और इसमें से हम मल्टीप्लाई बाय सीधे 20%, या फिर हम 20% इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, 20% हो जाएगा। लेकिन अगर 10 लाख से ज्यादा हुआ तो यहाँ पे इफ कंडीशन दे, देख इफ अगर इनकम इज ग्रेटर देन 10 लाख, गाय दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो क्या करें कि जस्ट 5 लाख का इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख मल्टीप्लाई बाई 20%, सिंपल, अदरवाइज 0। तो यहां पे तो 0 आएगा। अब मैं यहां पे एक काम करता हूं, 7.5 लाख कर देता हूं, तो 7.5 लाख में देखिए 50,000 इसका आ गया। अब नेक्स्ट जो करेंगे, नेक्स्ट करेंगे इसका कि इफ अगर टैक्सेबल इनकम, इसके साथ यहाँ पे एंड भी देना पड़ेगा, नहीं इसमें एंड देने की जरूरत नहीं है, टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन 10 लाख, गाय दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो इसमें से माइनस करना है 10 लाख, गाय दहाई एक मिनट गाय दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, और जो अमाउंट आए उसको मल्टीप्लाई कर देना है 30% से, 30% से, या फिर 30% में यहां सेलेक्ट कर लेता हूं 30%, अदरवाइज 0 हो जाएगा, सिंपल ये आ गया। और लास्ट में यहां पे सम लेके टोटल कर लेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 2500। अब इसमें बात आती है कि इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि सरचार्ज, कि अगर अमाउंट, अगर यहां पे इफ करते हैं कि इफ, या सरचार्ज होता है ना हमारे पास, एक चार्जेस होते हैं जो कि 12% के 11% चार्ज होता है, 1% होता है आई थिंक, तो वो चार्ज हम यहां पे दे देंगे कि अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो एजुकेशनल चार्ज होता है, कृषि चार्ज होता है, वो चार्ज लग जाए, क्योंकि 10 लाख से ऊपर का, 1 करोड़ से ऊपर का ऐसे कुछ होता है, तो आप देख लेंगे, देख लिया जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन हमने किया, लेकिन मैं, मेरे पास अगर मान लीजिए इस तरह के बहुत सारा डेटा है, तो उसमें हम हर किसी के लिए इस तरह का स्लैब तो नहीं बना सकते ना, कि मान लीजिए कि यहाँ पे नेम है, नेम के साथ इसका यहाँ पे इनकम है, टैक्सेबल इनकम है यहाँ पे, तो यहाँ सारे सारे के टैक्सेस निकालना है, तो इस तरह से हर स्लैब तो नहीं कर सकता,
तो सिंपल है कि अगर मुझे एक सेल में इसकी रिजल्ट चाहिए तो इन सबों को मैं मर्ज कर लूंगा ऐसे, दैट इज कॉपी। ऐसे तो इसका और भी है तरीका है, लेकिन फिलहाल हम ये तरीका अपना लेते हैं कि मैं इक्वल पेस्ट ले लिया, मैं इसको लेता हूं कॉपी, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फॉर्मूला, और इस पे हम इसको कर देते हैं प्लस, इसको उठाते हैं कॉपी, इस पे प्लस, एंड देन इसको उठाते हैं कॉपी, और इसमें हम प्लस कर देते हैं। हाँ, लेकिन जहां पे परसेंटेज है ना, वो परसेंटेज को भी लिंक छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज लिंक है ना, तो छुड़ाना पड़ेगा जो वहां पर जहां जहां मल्टीप्लाई है, जैसे कि यहां मल्टीप्लाई है B3 से, तो B3 की जगह पे मुझे 0% करना पड़ेगा। तो इस तरह से स्लैब हम कर सकते हैं, तो ये आपका स्लैब इंसेंटिव बन के आ जाता है। इस तरह से इंसेंटिव की स्लैब्स आपको हमने बताया, किस तरह से इंसेंटिव की स्लैब आपका होता है। इन फ्यूचर में कभी अगर कोई चेंज होता है परसेंटेज की, नहीं 10% की जगह पे 15% हो गया या 8% हो गया, तो आप यहाँ पे चेंज करेंगे, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी इनकम की कैलकुलेशंस। तो अपने अपने इनकम टैक्स चेक कर लीजिए, अगले महीने तो आपकी जेब कटने वाली है, और ये इनकम टैक्स देना जरूरी है, और खुशी के साथ देना चाहिए इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स हम पे करेंगे तभी तो सरकार के पास पैसा होगी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड घोटाले के लिए, दोनों। मैं खुलेआम बोलता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, यूट्यूब पब्लिकली है, फिर भी मैं बोलता हूँ कि सरकार के वो इनकम अगर आप टैक्स पे करेंगे तभी तो सरकार आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी, आपके विकास में मदद करेगी, साथ में घोटाले करके अपना ही विकास करेगी। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से फायदा होगा कि आप अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले मैंने वीडियो आपने नहीं देखा, या फिर आपको मेरी वीडियो ढूंढने में परेशानी होती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करते ही यूट्यूब पे आपको साइड में सब्सक्राइबर चैनल आ जाएगा। एक तो जैसे YouTube खोलेंगे, मेरी नई वीडियो आपके सामने स्क्रीन पर आएगी, मेरी जो भी नई वीडियो होगी वो आपके स्क्रीन पर आएगी, और यहाँ पे जितने भी चैनल, जैसे मैनेज चैनल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी चैनल्स को आपने सब्सक्राइब कर रखा है वहाँ पे सारा आ जाएगा। तो उसमें इससे फायदा क्या होगा, जैसे यहाँ सब्सक्रिप्शन है ना, कि मैं एक बार क्लिक करके मेरे सारे वीडियोज पे जा सकते हैं। तो आप अगर मेरी वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार बता दूं आपको, क्योंकि हमारी जो वीडियो यूट्यूब पे डली है प्रमोशनल वीडियो है सारे के सारे। बेसिकली मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, जो कि एडवांस एक्सेल, वीवीएमआई प्रो, फॉर्मूला, इस सब के लिए हम लोग एक लाइव ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशन, आप मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ के एकदम हम इंटरेक्टिव लाइव कन्वर्सेशन कर सकते हैं गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। अब एक कन्वर्सेशन कैसे होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैंने एक वीडियो बना के मैं डाल रखा है कि किस तरह से आप हमारी कन्वर्सेशन लाइव कन्वर्सेशन कर सकते हैं हमारे साथ गो टू मीटिंग की मदद से। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो पहले तो हम 3-4 फ्री डेमो क्लासेस देते हैं, 3-4 क्लासेस हमारी फ्री होती है। तो फ्री डेमो लेने की आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, iptindia.com, इस पे आप लॉगिन करें, और मेरे यहाँ पे कोर्सेज डले हुए हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। जो कोर्स करना चाहते हो उससे कोर्स आउटलाइन पे चले जाइए, कोर्स आउटलाइन को देखिए, समझिए, उसके फीस स्ट्रक्चर हर चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोर्स सही है तो आप डेमो ले सकते हैं। सबसे टॉप में हमारा डेमो क्लासेस का फॉर्म आता है, बुक डेमो क्लासेस, क्लिक कीजिए और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो ये फॉर्म है, फॉर्म भर दीजिए तो ये डिटेल मेरे पास आ जाएगी, फिर मैं आपको कॉल करके आपको हम डेमो क्लासेस दे देंगे। अपना डेट टाइम सुटेबल चूज कर सकते हैं जब आप लेना चाहते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको लगता है कि आप लाइव क्लासेस नहीं ले सकते, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, टाइम की प्रॉब्लम भी हो सकती है, अधिकतर प्रोफेशनल के साथ टाइम की प्रॉब्लम होती है, टाइम की प्रॉब्लम भी होती है, तो हमारे पास बीकन क्लासेस है, फास्ट ट्रैक क्लासेस है, या फिर हमारे पास DVD का भी ऑप्शन है, तो हमारे DVD आप यहां से परचेज कर सकते हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं सर आपकी DVD काफ़ी कॉस्टली है, तो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि बाकी लोगों की जो DVD है 5 घंटे 6 घंटे
मोस्टली 10 घंटे, आई थिंक 10 आवर्स से बड़ी डीवीडी किसी की नहीं है, लेकिन हमारे मिनिमम डीवीडी 35 आवर्स 45 आवर की डीवीडी है। तो इसमें मैंने हर फीचर को डिटेल के साथ समझाया हुआ है, एवरीथिंग। ये हमारे लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स है। तो आप हमारे डीवीडी भी परचेज कर सकते हैं, जो भी डीवीडी आप देख सकते हैं डीवीडी आप ले सकते हैं, लेकिन डीवीडी आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। आप चॉइस कीजिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस। तो फटाफट मुझे कॉल कीजिए या फिर मेरी डेमो क्लासेस को बुक कीजिए। इन फ्यूचर में कभी भी आपको किसी भी तरह की एक्सेल में प्रॉब्लम होता है तो फील फ्री होकर मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपके फोन जरूर उठाऊंगा, हर फोन का रिस्पॉन्स करूंगा, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को हम टेलीफोनिक सपोर्ट देंगे। अगर फोन पे सपोर्ट नहीं होने वाली है तो फिर हम आपको टाइम निकाल के, जब भी मुझे टाइम निकलेगा, टाइम निकाल के हम आपको इसी तरह वीडियो के जरिए रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।